తెరాసా మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్యగౌడ్ పార్టీలో చేరుతారన్న విషయంలో ఎలాంటి సమాచారం లేదని భాజపా రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి తరుణ్ చుక్ వెల్లడించారు. బూర నర్సయ్యగౌడ్ నన్ను కలవలేదని చెప్పిన ఆయన రాజకీయ క్షేత్రంలో ఏమైనా జరగొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. భాజపా జాతీయ పార్టీ అని గుర్తు చేసిన తరుణ్ చుక్ ఎవరు ఎప్పుడైనా పార్టీలో చేరవచ్చని తరుణ్ చుక్ వివరించారు. सर एक खबर आए थे तेलंगाना से एक टीआरएस की एक्स एमपी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे बोल के एक खबर आए थे, वो भी कल रात में आपसे मिला बोल के खबर आया. ऐसा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई मेरे से कल मिला है, ना जानकारी है ना कोई ऐसी खबर है. मुनगोडू इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह इस टाइम पे कोई एक पीसी नेता को अब ज्वाइन करने के लिए ऐसा है कि भाई साहब मैंने आपको फिर बताया भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और आगे बढ़ रही है. निश्चित रूप से हम मनगुड़ो जीतेंगे और जिस तरह से टीआरएस वहां पर धांधली कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, वो षड्यंत्र हारेगा. ये टाइम पे जॉइनिंग और रहेगा क्या? ऐसा भाई साहब राजनीतिक दल है, मैंने आपने पूछा आज तक की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ. जेपी नड्डा से मिला कुछ बात? अरे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं उनसे मिलते रहते क्योंकि हिमाचल चुनाव घोषित हुआ है. मैं प्रवास विभाग का इंचार्ज हूँ, प्रवास लगना है, अध्यक्ष को जाना है, गृह मंत्री जी को जाना है, प्रधानमंत्री को जाना है, तो प्रवास विभाग की बैठक है. नहीं मुनुगुड़ा तो ऐसा है कि मुनुगुड़ा में केसीआर के अहंकार के विरुद्ध लड़ाई है. मुनुगुड़ा के अंदर एक तरफ केसीआर का अहंकार, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता है. निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता जीतेगी और तेलंगाना की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजगोपाल रेड्डी, कमल का फूल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद. वो जीतेगा और अहंकार वाले लोग हारेंगे.